खबर है डीडवाना से, जहां पर NSUI के द्वारा उपखंड अधिकारी को उच्च शिक्षा मंत्री के लिए 6 सूत्रीय मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। नागौर जिले के डीडवाना में आज छात्र संगठन NSUI की ओर से डीडवाना के उपखंड अधिकारी हनुमान राम चौधरी को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के नाम अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने की जाने की मांग की है, साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों को कॉलेज स्टाफ को परीक्षा से पहले वैक्सीन लगवाने की भी कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की गई, और साथ ही साथ इस चीज के लिए भी सरकार से निवेदन किया गया। शिक्षा मंत्री से आग्रह किया गया कि सभी को 50% कोर्स दिया जावे। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की भी मांग की गई है और फीस माफी की मांग की गई है। छात्र सुरक्षा हेतु प्रत्येक विद्यार्थियों का बीमा करवाने की मांग को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने ये ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन दिया आपने, क्या ज्ञापन था, क्या क्या मांगे आप? आज हम NSUI कार्यकर्ताओं के द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री जी को SDM के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उनमें 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उनमें हमारी मुख्य मांग यह है कि अभी तक MDS यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म नहीं भरे गए, इसलिए हमारी मुख्य मांग यह है कि जल्द से जल्द एग्जाम फॉर्म भरेगा। दूसरी बात, हमारा सरकार से निवेदन है कि जल्द से उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि हमारे अभी सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इस कोरोना महामारी देखते हुए एग्जाम संभव नहीं है। अगर सरकार एग्जाम कराती है तो 50% सिलेबस के आधार पर एग्जाम कराया जाए, उससे पहले सभी विद्यार्थियों के वैक्सीन लगाई जाए, उसके बाद ही एग्जाम किया जाए। दूसरी बात, अभी तक किसी भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं आई, इसलिए सरकार से मांग है कि सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाए और अगले सत्र से सभी की फीस माफ की जाए। इन सभी मांगों को लेकर हमने उच्च शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है।